पुस्तकनुं नाम छे जीवन अने मृत्यु, गायत्री मंत्रना धी अक्षरनी व्याख्या। जीवन अने मृत्यु गायत्री महामंत्रना 17मो अक्षर धी अने आपने जीवन अने मृत्यु अंगे शिक्षण आपे छे। धिया मृत्युं स्मरणं मर्म जानिया जज्जीवनस्य च तदा लक्ष्यं समालक्ष्य पादौ संततमाक्षिपेत। एटले के मृत्युने ध्यान में राखो अने जीवनना मर्मने समझीने पोताना लक्ष्य तरफ आगळ वधो। मृत्युथी डरवानी कोई जरूर नथी, कारण के कपड़ा बदलवानी जेम ते एक स्वाभाविक अने साधारण बात छे, पण मृत्युने ते ध्यानमां राखवू जरूरी छे। वटेमार्गुए धर्मशाळामां रातोरात वासो करी बीजे दिवसे त्यांथी निकळी जवानी तैयारी करवी पड़े छे अने बीजी रात कोई अन्य धर्मशाळामां वितावी पड़े छे। ए रीते जीव पण एक जीवन छोड़ी बीजा जीवन में प्रवेश करतो रहे छे। क्षणभंगुर जीवन में कोई एवं अघटित कार्य न करवू जोईए जेने लीधे आगळनी प्रगति में वांधो आवे। धर्मशाळाना बिनजरूरी झगड़ा में संडोवाई कोई मूर्ख यात्री फरियाद झगड़ा जेल वगैरह में फसाई जाए छे अने पोतानी यात्रानो हेतु बर्बाद करी नाखे छे। तेवी रीते जे लोको वर्तमान जीवनना तुच्छ लाभो माटे पोताना नजीवा स्वार्थ माटे पोतानु परम लक्ष्य भूली जाए छे तेओ साचे ज अज्ञानी छे। जीवन एक नाटक जेवू छे, आ अभिनय आपणे एवी रीते अदा करवो जोईए जेथी आपणी वाहवा थाय अने जोनारा पण खुश खुश थई जाय। नाटकमां सुख दुःखना अनेक प्रसंगो आवे छे, पण अभिनय करनारू पात्र ते समय हकીકતમાં સુખી કે દુઃખી હોતું નથી। તેવી રીતે આપણે જીવનરૂપી ખેલમાં કોઈ જાતના ઉદ્વેગ કે ચિંતા વિના અભિનય કૌશલ બતાવવું જોઈએ, પણ સાથોસાથ આપણો મૂળ હેતુ ન ભૂલવો જોઈએ। મૃત્યુ આ જીવનરૂપી નાટકનું અંતિમ દ્રશ્ય છે, તેના પછી અભિનય કરનારને આરામ મળે છે। મૃત્યુનો દૂત જીવનનો અંતિમ મહેમાન છે, તેના સ્વાગત માટે સદા તૈયાર રહેવું જોઈએ। આપણી કાર્યપદ્ધતિ એવી હોવી જોઈએ જેથી કોઈ પણ સમયે મોત આવે તો પણ પશ્ચાતાપ ન કરવો પડે।